बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बिहार बोर्ड का जो 2020 का एग्जाम कब से कंडक्ट किया जाएगा, उसकी पूरी डेट शीट आ गई है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताता हूं कि आपका जो 2020 में बिहार बोर्ड का 10वीं और 12वीं का एग्जाम होने वाला है वो कब से होगा और किन किन तारीख को कौन कौन से विषय का एग्जाम होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बेल का बटन हो वो भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्जाम कब से है। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम है, जिनका जो कि इंटर के स्टूडेंट है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स वाले, उनका एग्जाम शुरू होगा 2 फरवरी से। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपका इंटर का एग्जाम जो है 2 फरवरी से स्टार्ट होगा। इसी तरह से अगर आप मैट्रिक यानी कि 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होगा। देखिए और भी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से। देखिए ये मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ इंटर के लिए। इंटर का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है यानी कि एक्सपेरिमेंटल एग्जाम जो होगा प्रैक्टिकल का, वो आपके होम सेंटर पे ही कंडक्ट होगा और ये स्टार्ट होगा आपका 10 जनवरी से लेके 21 फरवरी के बीच में। और आपका जो थियोरी का एग्जाम होगा वो हो जाएगा 3 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में। और इसके लिए जो आवेदन है, रजिस्ट्रेशन जो होगा इंटर का, वो स्टार्ट हो जाएगा 29 जून से 6 जुलाई के बीच में। तो आप लोग ध्यान से स्कूल में अपने संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छा से भर दीजिएगा। इसी तरह से मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो आपका मैट्रिक का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 20 जनवरी से लेके 22 जनवरी के बीच में। और अगर हम थ्योरी की बात करें तो 17 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में आपका मैट्रिक का थ्योरी का पेपर हो जाएगा। और इसके मैट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन है स्कूल में यानी कि फॉर्म जो भराएगा वो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में होगा। मैं आपको पूरी डेट शीट बता देता हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ कि आपके लिए इस वीडियो में और भी कुछ है, जैसे कि इस एग्ज़ाम का जो नया मॉडल पेपर है कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा या पिछले वर्ष किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर मॉडल पेपर 2020। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ पे आसानी से क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या सरप्राइज़ है आपके लिए। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही देखिए मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद ये इस तरह से एक पेज खुल के आएगा और यहाँ पे आपका मैट्रिक और यहाँ पे देखिए बहुत चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रख रखा है। अब ये मॉडल पेपर आप देख लीजिए, 10वीं का आप देख लीजिए, ये सारे आपका 10वीं का हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है। जैसे आप तो दिखा देता हूँ मैं, जैसे देखिए ये मैथ का है, ये आपका ये भी मैथमेटिक्स के है, 2 सेट मैथमेटिक्स के है, ये आपका साइंस का है। मैं आपको एक सेट खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक के साइंस के लिए क्लिक किया, देखिए इस तरह से आपका एक पेज ओपन होगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देखिए इस तरह से आपका मैट्रिक का साइंस का पेपर जो है क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। ये आपका मॉडल पेपर है, इसमें आपको दिखाया गया कि किस तरह से आपका पेपर होगा। जैसे कि आपका टोटल पेपर जो होगा वो 80 नंबर का होगा जो साइंस का है, और 40 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद आपके जो दूसरे खंड में पेपर होंगे, पेपर के 2 खंड होंगे और ब, तो पहले सेक्शन में 40 नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव और दूसरे सेक्शन में आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे।
जो कि 40 नंबर के होंगे। इसी ये पूरा मॉडल पेपर है जो कि हल किया हुआ भी, इसका आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। सॉरी, इस वाले पे आंसर है नहीं। आप दूसरा सेट देख लीजिएगा, उसमें हो सकता है आंसर हो। मैं आपको दिखा, यहाँ पे काफ़ी सारे सेट है जो कि आपके हेल्प के लिए है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखिए ये सारे जो है, ये देखिए ये सारे ऊपर जो प्रश्न थे उसके उत्तर दिए हुए हैं। तो इस तरह से हर विषय का सेट, काफी सारे सेट जो है सॉल्व भी है, काफी सारे अनसॉल्व भी है। जो अनसॉल्व है वो आपके प्रैक्टिस के लिए फायदेमंद होगा। और ये सभी विषय वाल सभी विषयों का है, और 10th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। बहुत सारा भरा पड़ा है, सारे स्ट्रीम वालों के लिए, जो IA कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो ICOM कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो सिंपल 10वीं क्लास में उनके लिए भी है, जो इंटर से साइंस कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो हमने आपकी मदद के लिए सारा कुछ अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़